तो अब मैं आप लोगों को अपना ड्राइंग रूम दिखाने लगी हूँ। ड्राइंग रूम में गोल्डन थीम किया है, इतना बड़ा ड्राइंग रूम का एरिया नहीं है। ये सोफे मेरे जहेज के हैं। इस वक्त नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ सोफे और डाइनिंग टेबल, सिर्फ ये जहेज की चीज़ें हैं, बाकी न्यू ली हैं हमने। अच्छा, इन सोफों के साथ ये वाली गद्दियाँ थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये थोड़ी छोटी लगती हैं तो हम कुछ और मंगाते हैं। तो फिर मैंने ऑर्डर की ये वाली, ये वाले कुशन। अच्छा, मैं दिखाती हूँ। ये इसका पर्दा है, कर्टन्स हैं। अच्छा, अब कुशन जो हैं हम लोगों ने कर्टन के साथ मैच किए हैं। ये भी खुद ही डिज़ाइन दिया था इनका, कर्टन का, और ये मलाई वाला कपड़ा, आई गेस इसको बोलते हैं, और ये डिज़ाइन भी इसका खुद ही सिलेक्ट करके दिया था अंकल को। अच्छा, अब कुशन जो है ना मैंने दो मंगाए, ये देखें, इसके अंदर जो है ना ये इससे मैच कर रहे थे पर्दे से, इसलिए ये वाला कलर मंगाया। इसमें पत्ते बने हुए हैं गोल्डन कलर के, क्योंकि गोल्डन ओवरऑल थीम है तो इसलिए गोल्डन मंगाया। और ये जो है ये थोड़ा डार्क ब्राउन है इस सोफे के साथ, इस जगह के साथ मैच करके, तो इसलिए सिक्स वो मंगाए और सिक्स वो मंगाए और यूँ रख लिए। अब ये रूम ना थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें डेकोरेशन की चीज़ें थोड़ी कम है। अभी टेबल्स पर रखने के लिए लेनी है डेकोरेशन पीसेस। अच्छा, अब ये देखें, एक वॉल पे बटरफ्लाइज लगाई। मैं आपको लाइट चला के भी, फुल लाइट चला के भी दिखाती हूँ। एक सीनरी है और ये क्लॉक है। अच्छा, फॉल्स सीलिंग देखें अब आप लोग। ट्राई करती हूँ कि एक ही दफ़ा पूरी नज़र आए, लेकिन आ नहीं रही। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फॉल्स सीलिंग है। इसमें गोल्डन पेंट कराया हुआ है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, वो दूसरी लाइट में नज़र आएगा। और ये फोर जो नीश हैं इनके अंदर भी गोल्डन पेंट है, बाकी थोड़ा ऑफ वाइट पेंट है, कॉटन बॉल है शायद बर्जर का, एग्जैक्ट मुझे नेम नहीं याद। अच्छा जी, अब आपको सही पता लगेगा कि इसके अंदर नीशेस के अंदर ये गोल्डन पेंट हुआ है। और ये फॉल सीलिंग है, और इसका फैन जो है उस पर थोड़ा वुडन वर्क हुआ हुआ है। अब आपको नज़र आएगा क्योंकि पीछे से लाइट की वजह से नज़र नहीं आ सक रहा था। अच्छा, ये देखिए, ये फैन है, गोल्डन तो नहीं, कोई अच्छा लगा था फ़ैन तो इसलिए थोड़ा यही ले लिया, वुडन वर्क वाला फ़ैन। और ये देख सकते हैं आप, इनके सिर्फ नीचे नीचे वाले पोर्शन में हमने गोल्डन पेंट कराया। और नीश में बस, और बाकी पूरा रूम हमने ऑफ वाइट रहने दिया। ये वही वॉशरूम का डोर है जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जब आपको गेस्ट रूम दिखाया था। हसबुन अल्लाह व नियमल वकील, बेशक अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, और हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी होना भी चाहिए। हमें कभी किसी और लोगों की बातों की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला राज़ी है तो किसी और की राज़ी होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हमेशा लोगों को खुश करने के लिए सोचते रहते हैं। ये बटरफ्लाइज मुझे वैसे ही अच्छी लगी थी तो ये मंगाई मैंने। ये यहाँ
फ्लावर्स रखे हैं, लेकिन फ्लावर्स थोड़े कम लगते हैं अभी, इस जैसे और लेके आऊँगी। ग्लैड मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अभी ये पुराने ही डेकोरेशन पीसेज रखे हैं, अभी न्यू लेके आना है टेबल्स के लिए। फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम और मेरी गैलरी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा लाजमी।